हेलो एवरीवन, गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसी ओकेजन पर मैं आज बनाने वाली हूँ उनके लिए सिंहासन। तैयार करेंगे हम लोग और उनको स्थापित करने के लिए हम एक बहुत सुंदर सा सिंहासन तैयार करेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए 2 टुकड़े लकड़ी के और एक ले लिया है कार्डबोर्ड। और लकड़ी के दोनों पीसेस पे मैंने पेपर लपेट लिया है ताकि वो दिखने में अच्छे लगे। वो पुराने थे इसलिए मैंने उनको कवर कर दिया है और उसके ऊपर हम लगाएंगे हॉट ग्लू गन और उससे उनको चिपका देंगे। और ये हो गया हमारा मजबूत सा बेस तैयार। और अभी हम इसके ऊपर लगा लेंगे पेपर ताकि ये दिखने में अच्छा लगे और सुंदर भी लगे। और अभी ले लिया हमने ये डिस्पोजल। डिस्पोजल को हम कर लेंगे कलर, आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो कलर कर सकते हैं। और अभी इसमें हम डॉट डॉट लगाएंगे, आपकी मर्जी। अगर आप फ्लावर बनाना चाहते हैं, कोई भी पैटर्न आप इनके अंदर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और अभी मैं इनको चिपका लूँगी। आपस में इनको मैं चिपका कर एक पिलर के जैसे इनको बना लूँगी। सबसे पहले हम बड़ा तैयार करेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके मैं 5 तैयार कर लूँगी। पांच इस साइड आएंगे हमारे और 5 उस साइड, टोटल 10 हो जाएंगे। और इनको अच्छे से चिपका लेंगे हम। दोनों साइड में मैं इनको चिपका लूँगी। और अभी हम करेंगे बैकग्राउंड तैयार। और ये है कार्डबोर्ड जो रेम्बो की शेप में मैंने कट कर लिया है और 2 लंबी स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, उसको भी मैं कलर कर लूँगी। और दोनों को हम चिपका देंगे अच्छे से। अभी हम इस कार्डबोर्ड को चिपका देंगे पीछे की साइड। और ऐसा आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले इसको डेकोरेट कर सकते हैं और बाद में आप चिपका सकते हैं, और पहले भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी से। और यहाँ पर मैं तैयार कर लूँगी फ्लावर्स, ये भी कटिंग वाले फ्लावर्स मैं यहाँ पर तैयार करूँगी। इनमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, आप राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। और कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कलर के फ्लावर तैयार करूँगी मैं। स्ट्रिप को हम लपेट लेंगे किसी नोकेली चीज़ की सहायता से। और अभी मैं इसको चिपका देती हूँ। फेविकोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्लू का भी। और बीच में मैं लगा दूंगी एक मोती, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। पीले और लाल कलर के मैंने फूल यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अभी इनको मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी कार्डबोर्ड के ऊपर। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है और आप इनको पिलर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं या इनके ऊपर दिए भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। और अभी मैं कट करूँगी पेपर लीव्स। पहले मैं यहाँ पर लगा देती हूँ लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट करके, इससे ये और भी सुंदर लगेगा, और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर ले लिया मैंने ग्रीन कलर का पेपर और अभी मैं इसको कट कर लूँगी। बीच में से मैं इसको कट कर लूँगी।
कट करने के बाद मैं इसको फोल्ड करूंगी और ये हमारी एक लीव्स के शेप बन जाएगी। और इन लीव्स को मैं पीछे चिपका दूंगी और ये देखिए हमारा सुंदर सा सिंहासन तैयार है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर